Let us recall trigonometric formulas. The very first one is sin square x is equal to 1 minus cos 2xy2. Basically, these formulas are of half angle and full angle. Like here, sin square x. When here is sin square x, तो यहाँ पे angle double हो जाएगा 1 minus cos 2x/2. जब हमें conversions की जरूरत होती है, जब हमने sin को cos में बदलना हो. Same way, अगर cos square x है, फिर उसको भी cos में ही बदलना हो. Square हटा के हमने अगर cos में बदलना है, तो formula is 1 plus cos 2x/2. थर्ड इज टेन स्क्वेयर एक्स. तो टेन स्क्वेयर एक्स में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड टू विल कैंसिल आउट. तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x. फोर्थ वन इज टेन स्क्वेयर एक्स. टेन स्क्वेयर एक्स इसी फॉर्मूला को अगर हम इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर साइन 2x. फिफ्थ वन वेरी सिंपल फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. एक्स की जगह पे वाई भी हो सकता है, थिट्टा भी हो सकता है, आपको कोई भी एंगल साइन स्क्वेयर सी प्लस कॉस स्क्वेयर सी भी पूछा जा सकता है, देन आंसर विल बी ऑलवेज 1. नेक्स्ट इज साइन 2x. अगर साइन का एंगल डबल हो और उसका एंगल हाफ करना हो तो क्या करेंगे, 2 साइन x cos x, एंगल हाफ हो जाएगा. सेम वे अगर साइन x हो तो यहां पे क्या आएगा, 2 साइन x/2 cos x/2. क्लियर. नेक्स्ट इज cos 2x. cos 2x को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 cos square x minus 1 as I have shown you in the very first and second formula, 1 minus 2 sin square x. तो फॉर्मूलेज की अलग अलग फॉर्म है, आप एक फॉर्मूला याद कर लो तो आपको कोई जरूरत नहीं है सारे फॉर्मूलाज को लर्न करने की. एट है tan 2x. tan 2x इन टर्म्स ऑफ tan x क्या होता है, हमारे पास डबल एंगल है, यहाँ पे सिंगल आएगा, 2 tan x by tan square x. tan 2x is equal to 2 tan x over 1 minus tan square x. यहाँ पे डबल एंगल है और यहाँ पे एंगल सिंगल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज सी डी फॉर्मूले. इसको हम सी डी फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं, इसको सी डी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा है, 2 साइन एक्स साइन वाई. तो ये क्या बनेगा, कॉज एक्स माइनस वाई माइनस कॉज एक्स प्लस वाई. सेम वे 2 कॉज एक्स कॉज वाई. अगर तो दोनों साइन है तो यहाँ पे दोनों कॉज आएंगे, बीच में आएगा माइनस. अगर ये दोनों कॉज हैं तो यहाँ पे भी दोनों कॉज आएंगे लेकिन सेंटर में होगा प्लस. सिमिलरली अगर एक साइन है और एक कॉज है, 2 साइन एक्स कॉज वाई, तो दोनों साइन आएंगे और बीच में आएगा प्लस. एक बार एंगल एड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा. और लास्ट है 2 कॉज एक्स साइन वाई. अगर कॉज एक्स साइन वाई है तो यहाँ पे आएंगे दोनों ही साइन, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा और सेंटर में होगा माइनस. आई होप यू रिकॉल ऑल द फॉर्मूलाज. थैंक यू सो मच. एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.